तैयारी हो रही थी कि मशीन अंदर जा पाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान साज हसन और आप देख रहे हैं जिना न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं कराची में बिल्कुल नेस्ला टावर के सामने, जिसको गिराने का अमल जारी हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी पटिशन इस चीज़ की जो है वो दायर की गई हैं कि जो लोग इसको गिराने के हामी हैं। इसी के साथ साथ इंटरनेशनल कंपनीज़ ने भी इसको कंट्रोल एक्सप्लोजिव के ज़रिए गिराने की अपनी हामी जो है वो जाहिर की है। नाज़रीन, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की वजह से जो है शार फैसल से तारिक रोड जाने वाले इस रास्ते को जो है वो आवाम के लिए इस टाइम बंद कर दिया गया है। नाज़रीन, साहब हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर साहब मौजूद हैं, आइए इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, इसको गिराने का अमल काफ़ी तेज़ी से जारी है, तो क्या आपको अंदाज़ा है कि कितना टाइम लगेगा इसको? सर, एक हफ्ते में बड़ी बड़ी मीनिंगफुल नोटिसबल और हम लोग रिज़ल्ट देंगे। इस वक्त आप देख रहे हैं लॉन्ग बूम मशीन, ये उसी चीज़ की तैयारी हो रही थी कि मशीन्स अंदर जा पाएँ। अब ये उस सूरत में मौजूद है, उस हालत में कि मशीन्स को अंदर भेजा जा रहा है। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि क्रेन्स के थ्रू मशीन्स ऊपर उठेंगी और टॉप फ्लोर पर डाउनलोड होंगी। वहाँ से मशीन्स फ्लोर्स के पिलर्स को काटना शुरू करते हुए नीचे आती चली जाएंगी। इसकी स्ट्रेटजी में क्या कंट्रोल एक्सप्लोजिव भी शामिल है? नहीं नहीं, सिर्फ हैवी मशीनरी के थ्रू। हैवी मशीनरी के थ्रू इसको ऊपर से काटा जाएगा। इस वक्त तक मैनुअली हैवी मशीनरी की जगह बनाई गई है, मैनुअल काम भी जारी रहेगा, मशीनरी का भी जारी रहेगा। 400 लेबर मौजूद है और उनके बीमा शनाख्ती कार्ड नामों के साथ हमारे पास मौजूद है कि कितने लोग अंदर मौजूद काम कर रहे हैं, कितनी मशीनरी है, सारा डेटा है। जैसा कि आपने देखा, नेस्ला कराची के इस नेस्ला टावर को गिराने का अमल काफ़ी तेज़ी से जारी है और इसको गिराने के लिए सिर्फ मैन पावर ही नहीं बल्कि साथ साथ हैवी मशीनरी का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।